हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई टेक्निकल में। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेई टेक्निकल। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ सोम की तरफ से दोस्तों एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेकर के। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि रेडमी के सभी स्मार्टफोनों में MIUI 11 का अपडेट मिलना शुरू हुआ था। दोस्तों, कुछ दिन पहले Redmi 5 Pro और Redmi 5 में अपडेट मिला था, लेकिन तो 5 Pro में नए सॉफ्टवेयर को अब MIUI 11 को सस्पेंड कर दिया था, उसमें कुछ बग्स आ गए थे। दोस्तों, मैं यही दोस्तों और बाकी सभी स्मार्टफोनों में भी ये अपडेट आ चुका है MIUI 11 का। जैसे दोस्तों जानते हैं कि 6 Pro यानी कि Redmi 6 Pro को भी कुछ दिन पहले अपडेट मिला था और Redmi Note 4 को भी अपडेट मिला था। और दोस्तों बता दो, साथ में आपको Redmi के सभी स्मार्टफोनों में भी अपडेट मिला हुआ था। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि Redmi 4 में भी अपडेट शुरू हो चुका है MIUI 11 का अपडेट मिलना। जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं कि Redmi 4 अभी फिलहाल 2018 के सिक्योरिटी पैच पे चल रहा था, जिसका पर जो Android 7.1.2 पे अपडेट था और वहाँ उसी पैच पे चल रहा था Redmi 4। और दोस्तों, अब Redmi 4 को नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने की खबर आ चुकी है। हाँ दोस्तों, Redmi के नए सॉफ्टवेयर 1.2.0 का अपडेट मिलेगा, जो कि MIUI 11 के से अपडेट है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे फीचर्स को जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, आप सबको सबसे बड़ी खबर ये है कि जो स्मार्टफोन 2018 यानी कि नोकेट पे चल रहा था, अब उसे दोस्तों 7.2.0 स्टार के अब आपको नए सॉफ्टवेयर अपडेट MIUI 11 का सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है इस महीने के अंत तक में। दोस्तों, ऐसी खबर निकल के आ रही है कि Redmi के सभी स्मार्टफोन जैसे कि अपडेट मिल रहा था, उसी प्रकार Redmi के फोन में भी अब अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये अपडेट ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, अपडेट करने में ज़्यादा कुछ देर नहीं लगेगी आप लोग। कब MB की अपडेट भी है, ये 478 MB की अपडेट है दोस्तों, जो कि आप सब आसानी से इसे अपडेट कर सकते हैं। उसमें इतने इस अपडेट में तो खास बात यह है कि जो स्मार्ट काफ़ी यानी कि 1 ईयर से कोई अपडेट नहीं मिला था, उस स्मार्टफोन में अब अपडेट मिल रहा है Redmi के 4 में। यानी कि दोस्तों, जो कि 2018 सिक्योरिटी पैच पे चल रहा था अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के अपडेट पे चल रहा था Redmi 4, अब दोस्तों उसे नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिलेगा 2019 का, जो कि दोस्तों बेहतर क्वालिटी लेकर के आने वाला है MIUI 11 का ये अपडेट। दोस्तों, मैं आ रहा हूँ 478 MB की है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं तो कभी जापा सिटी में चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसे मैं आप लोग सलाह दूंगा कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का अपडेट करते हैं Redmi के सभी स्मार्टफोनों में, दोस्तों ये दिक्कतें आ रही है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वो आप स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर लीजिए या तो फिर चार्जिंग प्लग पर लगा करके ही अपना फ़ोन को चार्ज किया, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए और डेटा अपना अवेलेबल रखा कीजिए, ताकि कभी भी हम सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो डेटा का कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई चार्जिंग का। यानी कि अपडेट करते वक्त अगर कहीं आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका हो और आपकी बैटरी डाउन हो और फोन ऑफ हो जाए, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं दोस्तों कहूँगा आप लोग बैटरी फुल चार्ज कर लीजिएगा, अपने फ़ोन को फुल डाटा अवेलेबल करने के बाद ही अपना अपडेट कीजिएगा। जैसे दोस्तों कुछ लोग कह रहा था कि कुछ दिन पहले जो अपडेट आए हुए थे Redmi के 5 Pro में, उसे सस्पेंड कर दिया गया था, अब उन पे नए अपडेट आएंगे, तो मैं आप लोग वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, हमें बताइए अगर Redmi 4 के कौन कौन अपडेट आप लोग लेना चाहते हैं, क्या क्या फीचर्स चाहिए आप लोगों के, तो MIUI 11 के सही फीचर्स आपको मिलेंगे स्मार्टफोन में। दोस्तों, हमें जरूर बताइए कि Redmi 4 में आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं, Redmi 4 का स्मार्टफोन यूज करते हैं या फिर किस कंपनी का स्मार्टफोन यूज करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बस आज की खबर बस मैं इतना ही कहूँगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को हमारे वीडियो को थोड़ा कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक आप सबका सपोर्ट पूरा प्यार आप सबका बहुत नहीं मिल पाएगा हमें। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों साथ हमारे वीडियो को लाइक करके आगे पहुंचाइएगा, बस मैं यही कहूँगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम आपके स्मार्टफोन को सॉफ्टवेयर के अपडेट को लेकर के हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं और आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की खबर बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।